लगातार 9 दिनों तक पृथ्वी का हर एक कोना एक रहस्यमय ध्वनि से कांप उठा। वैज्ञानिक चिंतित हो गए, सरकारें भयभीत हो गए, क्योंकि ऐसा घटना पृथ्वी के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ था और सबको ऐसा लगने लगा कि अब पृथ्वी पर शायद कुछ बड़ा होने वाला है। इन मिस्टीरियस हम सिग्नल्स में से 8000 सिग्नल्स को 15 देशों के 70 साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने दिन रात एक करके जांच किया और अंत में जो तथ्य सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। ग्रीनलैंड के निकट एक 1.2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, जिसके कारण 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना मलबा बिजली के गति से नीचे समुद्र में गिरा और देखते ही देखते एक 650 फुट ऊंचा मेगा सुनामी का जन्म हुआ, जो कि इतना शक्तिशाली था कि लगातार 9 दिनों तक संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगा। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। रात में सोते समय क्या आपको कोई कंपन यानी वाइब्रेशन अनुभव होता है? यदि हाँ तो यह आपका वहम नहीं है, ना ही आपके शरीर में किसी दुर्बलता के कारण ऐसा हो रहा है, बल्कि ये वाइब्रेशन पृथ्वी के अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि अंदर कुछ भयंकर गड़बड़ चल रहा है। पृथ्वी के दोनों कोनों पर यानी नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल पर विशालकाय ग्लेशियर्स उपस्थित हैं, क्योंकि उन कोनों पर अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाता। ये ग्लेशियर्स हमारे पृथ्वी पर होने वाले सीजन साइकिल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि ये गायब हो गए तो संपूर्ण पृथ्वी का भूगोल ही बदल जाएगा। राजस्थान अमेज़न जंगल बन जाएगा, उड़ीसा बर्फ के मोटे चादर से ढक जाएगा, महाराष्ट्र रेन फॉरेस्ट बन जाएगा, बांग्लादेश एक आइलैंड बन जाएगा एवं श्रीलंका या मालदीव्स जैसे देश हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के अंदर समा जाएंगे। पर क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि ये काल्पनिक सा लगने वाला परिवर्तन का कहानी ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भविष्य मालिका के ग्रंथों में आज से 600 वर्ष पहले लिखा गया था। जाईपुलो मालिका नामक ग्रंथ में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि कलयुग के अंतिम कालखंड में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनको आज तक मनुष्य जाति ने कभी देखना तो छोड़िए सुना भी नहीं होगा। एक ऐसा ही घटना ग्रीनलैंड में हुआ है, पर उसको समझने से पहले कुछ मूल बातों को सुन लीजिए। आज हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, यानी पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ एवं मैग्नेटिक साउथ अपना स्थान बदल रहे हैं। सरल भाषा में कहूँ तो संपूर्ण पृथ्वी उल्टा होने वाला है। इस परिवर्तन के कारण अनेकों भूखंड डूब जाएंगे, अनेकों भूखंड समुद्र के अंदर से पुनर्वार बाहर आएंगे, रेगिस्तान जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे एवं ऐसे स्थानों पर बर्फबारी होगा जहां पर आज तक कभी बर्फ नहीं गिरा है। यह बदलाव अनेकों को मजेदार लग रहा होगा, पर यह बदलाव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के लिए सबसे विनाशकारी है, क्योंकि इसके कारण अनेकों प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण आज ग्रीनलैंड नामक अंचल में मिला है और जब आप पूरे कहानी को सुनेंगे तब आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहानी ना आपने कभी देखा होगा ना ही सुना होगा। 16 सितंबर 2023 के दिन ग्रीनलैंड के ईस्टर्न भाग में एक 1.2 किलोमीटर ऊंचा एवं 500 फुट चौड़ा मेटामॉर्फिक रॉक से बना पहाड़ पूरी तरीके से टूट गया। उसके टूटने के कारण एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना मलबा बिजली के गति से समुद्र में गिरा और एक 650 फुट ऊंचा मेगा सुनामी का जन्म हुआ, जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुनामी है। ये सुनामी उस मलबे के साथ सीधा जाकर डिक्सन फोजोर्ड नामक अंचल से टकराया, जहां पर उपस्थित एक अनमैन्ड रिसर्च स्टेशन पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इस आपदा में किसी भी मनुष्य का मृत्यु नहीं हुआ है, परंतु इस प्रलयंकारी सुनामी के कारण कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण लगातार 9 दिनों तक पूरे के पूरे पृथ्वी पर एक मिस्टीरियस हम सिग्नल रिसीव हुआ है। वैज्ञानिकों ने ऐसा सिग्नल आज तक कभी भी रिसीव नहीं किया है। इसी कारण पिछले एक साल से इन सिग्नल्स में से 8000 सैंपल्स को 15 कंट्रीज के 70 एक्सपर्ट्स दिन रात एक करके स्टडी कर रहे थे, जिसका फाइनल रिपोर्ट अब आ चुका है। उस मेगा लैंडस्लाइड एवं मेगा सुनामी के कारण पृथ्वी का कोर हिल चुका है और एक ऐसे फोर्स को रिलीज करने लगा जिसके कारण एक ही फ्रीक्वेंसी पर लगातार 9 दिनों तक एक हम सिग्नल सुनाई देने लगा। अब प्रश्न है कि क्या आगे इसके कारण कोई बड़ा समस्या पैदा हो सकता है?
ध्यान से सुनिए एवं समझिए। आज एक के बाद एक पहाड़ कोलैप्स हो रहे हैं, एक के बाद एक नदी गायब हो रहे हैं, एक के बाद एक जंगल रेगिस्तान बनते जा रहे हैं एवं एक के बाद एक रेगिस्तान घने पेड़ पौधों से भरते जा रहे हैं। यदि ये सब केवल एक देश तक या एक कॉन्टिनेंट तक सीमित होता तो सामान्य होता, पर ये सब आज हर एक देश में, हर एक कॉन्टिनेंट में हो रहा है, वो भी बहुत ही बड़े स्तर पर। इन सब का कारण विज्ञान के दृष्टिकोण से ग्लोबल वार्मिंग है एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से युग का अंत। प्रत्येक युग के अंतिम कालखंड में पृथ्वी पर एक बड़ा परिवर्तन होता है, यानी साफ सफाई का कार्यक्रम, क्योंकि हर युग में मनुष्यों ने ही इस पृथ्वी पर कूड़ा कचरा फैलाया है और आज यही साफ सफाई चल रहा है। पंच सखाओं के अनुसार इस विनाशकारी कालखंड में तथा युग परिवर्तन के दौरान भारत समेत अनेकों देश भयंकर तूफान, भयंकर भूकंप एवं भयंकर सुनामी का शिकार बनेंगे, जिनमें विनाश का स्तर कल्पना से भी बाहर होगा। साल 2024 से 2025 तक को भविष्य मालिका में प्राकृतिक आपदाओं का साल कहा गया है, परंतु जब शनि मीन राशि में प्रवेश होंगे तब मनुष्यों को ऐसा अनुभव होगा कि शायद अब महाप्रलय निश्चित है। अनेकों शहरों का एयर इंडेक्स क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी सांस लेना भी कठिन हो जाएगा। अनेकों शहरों में पानी का मात्रा शून्य हो जाएगा, यानी खेती बाड़ी करना असंभव हो जाएगा। अनेकों शहरों में नदियों का जल प्रवेश हो जाएगा, यानी उन अंचलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और बचा कुचा काम युद्ध एवं महामारी पूरा कर देंगे। इन सब से भयभीत होकर कोई लाभ नहीं, और मैं घटना घटने से पहले उनके विषय में इसीलिए ही बताता हूँ ताकि आपके मन से भय नामक शब्द गायब ही हो जाए। ध्यान रहे, प्रतिदिन आप यूट्यूब पर केवल मेरा वीडियो देखने नहीं आते, बल्कि आप खुद टाइम ट्रैवल करके भविष्य में होने वाले घटनाओं के विषय में जानने आते हैं। कुछ लोगों को अभी ये सब समझ नहीं आ रहा होगा, परंतु जल्द ही परिस्थिति ऐसा बनने वाला है कि आप मजबूर हो जाओगे इन सब को समझने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड का नाम क्या है जो कि एक कॉन्टिनेंट नहीं है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि 2024 का ब्रिक्स समिट कौन से देश में होने वाला है। सही उत्तर है रशिया के कजान में। विजेता है प्रकाश डिंगवा ने। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।